ओके दोस्तों, वेलकम माई यूट्यूब चैनल अगेन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि सोलर पैनल को किस डायरेक्शन में रखें कि आपको बेस्ट एम्पियर मिले, बेस्ट वोल्टेज मिले, और क्या उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए, और कितना क्लियर रखना है उसको, साफ रखना है नहीं रखना है, और वायर क्या साइज रहेगा, सब बताने वाला हूँ। आइए देखते हैं। और अगर हम दोस्तों वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज आप देख सकते हैं 20 वोल्टेज आ रहे हैं, यानी कि 20 वोल्ट आ रहे हैं, और एम्पियर आ रहे हैं हमारे पास 1.5 एम्पियर। दोस्तों अगर हम एम्पियर देखें तो एम्पियर आप जानते हैं मेरा ऊपर सोलर पैनल से आ रहा है डायरेक्टली, तो 1.53 एम्पियर आ रहे हैं। अभी दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि सूरज जो हमारा सन है वो कितना ज़्यादा ब्राइट है। देखिए जो यहाँ पे लाइट आएगी आपके पास यहाँ, ये देखिए, ठीक है, इतनी ज़्यादा हार्श है, ये देखिए फुल ब्राइट लाइट हमारे पास आ रही है, यानी सूरज से पूरी पावर हमारे पास आ रही है। लेकिन ये पावर नहीं है, ये सिर्फ लाइट है, क्योंकि इस लाइट में गर्मी इतनी नहीं है, ठीक है, यानी एच न्यू गामा फोटोन्स इतने नहीं हैं। यही कारण है दोस्तों जो हमने अभी यहाँ पर पैनल लगा रखे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, एक 40 वाट का पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल है और एक 50 वाट का मोनोक्रिस्टलाइन पैनल है, ठीक है, वो वाला पॉली पैनल है, ये वाला मोनो पैनल है। तो इनसे कंबाइन एम्पियर गर्मियों में लगभग 3.5-4 एम्पियर आते हैं, लेकिन अभी केवल 1.5 एम्पियर आ रहे हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। वोल्टेज 20 आ रहे हैं लेकिन एम्पियर केवल 1.5 एम्पियर आ रहे हैं, जबकि 4 एम्पियर गर्मियों में आराम से इससे आ जाते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो सूरज है हमारे पास वो केवल इस समय रोशनी दे रहा है, ठीक है, वो केवल हमें रोशनी दे रहा है और गर्मी इतनी नहीं दे रहा है, ठीक है। और अब बात करते हैं कि कितना सोलर पैनल को, देखिए आप सोलर पैनल को ज़रूरत से ज़्यादा साफ़ करेंगे तो ऐसा करने से पावर नहीं बढ़ेगी, ठीक है। सारी चीज़ निर्भर करती है सूरज के ऊपर, ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि जिस क्वालिटी, जित मतलब कि जितना पैनल इस समय डस्ट से लिपटे हुए हैं, आपको गंदे लग रहे हैं, इतनी ही गंदे अगर ये गर्मियों में रहते हैं तभी भी 3-3.5 एम्पियर से ऊपर ही मिलता है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा साफ़ करने का कोई मैटर नहीं है सोलर पैनल को, ये चीज़ आपने समझी। दूसरी बात जो उसकी डायरेक्शन है, मैं आपको वो अगर क्लियर करूं तो ये मैंने ये साउथ की डायरेक्शन में लगा रखे हैं। जो इनकी आपको डायरेक्शन दिखेगी वो साउथ की डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन बिल्कुल साउथ की है। इस समय सूरज ठीक ऊपर है साउथ की डायरेक्शन में, और इसी से पैनल पर पूरी ऊर्जा आ रही है, देखिए। और जो एंगल है वो मैंने इसको खास लगभग से लगभग फ्लैट ही है, क्योंकि सूरज निकलता यहाँ से है इस तरफ से, ईस्ट से, और इधर होता हुआ वेस्ट में जाके चला जाता है। और पूरे दिन में लगभग सुबह 7-8 बजे से, अभी फ़िलहाल विंटर चल रहे हैं तो 9 बजे से और 3-4 बजे तक यहाँ पर ये पूरी इस पर सनलाइट रहती है। अब मैं आपको वायर साइज़ दिखाता हूँ। दोस्तों अगर वायर साइज़ की बात करूँ तो देखिए 1 mm का वायर बहुत होता है 3-4 एम्पियर को पहुँचाने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए। अब जैसे कि ये वायर नीचे लगभग से मैक्सिमम अगर आप लेके चलें तो 20 फीट नीचे जाएगा, तो 1 mm का वायर भी अच्छे से काम करेगा, लेकिन मैंने केवल यहाँ पर 0.75 ही यूज़ करा है, यानी कि 0.5 mm का वायर यूज़ करा है। और ये वायर भी अब अच्छे से काम कर रहा है, टेस्टिंग के लिए वायर आया था इसलिए मैंने इसको लगाया है, इससे भी अच्छे एम्पियर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तीन बातें हैं, बाकी सोलर पैनल को हमें साउथ यानी दक्षिण की डायरेक्शन में रखना है, और एंगल का ज़्यादा विशेष रोल इतना नहीं है, ठीक है, फ्लैट रखेंगे तब भी अच्छे से आपकी पावर आ जाएगी। चाहें तो आप अगर उसको 23-25 डिग्री पे रख देंगे तो भी अच्छे से उस पर सूरज काम करेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एकदम से फ्लैट ही रखे हैं, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर कोई एंगल नहीं दिया है, उसके बावजूद भी मुझे फुल एम्पियर मिलते हैं जितना कि मैक्सिमम मिल सकता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि फ्लैट लगने पे एम्पियर नहीं बढ़ रहे हैं तो आप 25-30 डिग्री के एंगल पे रख सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको एक रफ़ आइडिया बता रहा हूँ, मेरे फ्लैट लगने से ही अच्छे एम्पियर मिलते हैं, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है अलग से इनको साफ़ करने की या किसी एंगल पर रखने की, ठीक है। वायर मैंने आपको बता दिया, 1 mm का वायर यूज़ कर लेंगे हम इस पैनल पे तो अच्छे से पावर ट्रांसमिट हो जाएगी। इतनी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।